साथ बता रहा हूं इसको। मत चुप हो जाओ, मुझे बोलने दो। वो नहीं चुप हो रहे तो हम क्यों चुप होए? उत्तराखंड वासियों को पहले मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज नया संवत्सर हिंदुओं का प्रारंभ हुआ है और नवरात्रे भी प्रारंभ हुए हैं। उत्तराखंड वासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और सरकार बनाने की भी खुशी में बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरी बात रही कि धामी जी ने कमान संभाली है। धामी जी ने उत्तराखंड की दूसरी बार कमान संभाली है, तो ये बहुत खुशी की बात है कि उत्तराखंड वासियों को फिर से मुख्यमंत्री धामी जी मिले हैं। मैं समझती हूँ कि जो उत्तराखंड के जनता की जो उम्मीदें हैं वो निश्चित रूप से धामी जी पूरा करेंगे और चहुमुखी विकास उत्तराखंड का करेंगे। देखिए, मैं अभी धामी जी से जल्दी ही मिलने का प्रयास करूँगी और जैसा कि आपने भी बताया कि उन्होंने सिविल कोड के लिए धामी जी ने घोषणा की थी, तो मैं समझती हूँ कि जल्दी से जल्दी सिविल कोड उत्तराखंड के लिए बहुत ज़रूरी है, अति आवश्यक है उत्तराखंड वासियों के लिए। तो ये जल्दी से जल्दी धामी जी लेकर के आएंगे, मैं भी जल्दी मिलूँगी और उनसे इस पर बात भी करूँगी। देखिए, कांग्रेस से तो उम्मीदें छोड़ ही दी है जनता ने और छोड़ देनी चाहिए। 70 साल तक ये जो समस्या है, जनसंख्या की समस्या, कांग्रेस ने तो पैदा की है। काश ये जनसंख्या का कानून 20 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर लागू हो जाता तो ये समस्या पैदा ना होती। रही बात देश के अंदर हिंदू अल्पसंख्यक हो रहा है, कश्मीर के अंदर, बंगाल के अंदर, आसाम के अंदर धीरे धीरे हिंदू अल्पसंख्यक होता जा रहा है। और मैं आज एक बहुत बड़ी मांग देश के प्रधानमंत्री से, हिंदुस्तान की सरकार से हाथ जोड़ करके एक निवेदन करना चाहती हूँ। ये अल्पसंख्यक आयोग खत्म होना चाहिए। किस लिए दिया जा रहा है ये अल्पसंख्यक? हिंदुओं का टैक्स हिंदू भरते हैं, सुविधाएं सब उनको मिलती है, किस लिए दी जा रही है? ये अल्पसंख्यक आयोग खत्म होना चाहिए। मुझे बोलने दो, वो नहीं चुप हो रहे तो हम क्यों चुप होए? मुझे बोलने दो, वो नहीं चुप हो रहे तो हम क्यों चुप होए? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।